आज भाद्रपद शुक्ल तृतीया सोमवार 18 सितंबर 2023 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखना। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी मंगलवार 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी है। प्रथम पूज्य श्री गणेश के उत्सव की आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के पश्चात हम प्रभु श्री जी में गणेश चतुर्थी की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि के दर्शन करेंगे। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों राधाष्टमी की झांझ की बधाई चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जो प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। श्री ब्रश भान प्रति के आगन बाजत आज बधाई श्री ब्रश भान। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरण के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है और विशेषता यह है कि यह पिछवाई रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी रूपहरी जरी की ही किनारी के हाशिया वाले गुलाबी रंग के मलमल के वस्त्र ही सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी,
तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मढ़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की त्रिष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को गुलाबी रंग के ही मलमल के सभी वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती और उसके साथ राजशाही पटका धराया गया है और यह दोनों ही वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर जो ठाड़े वस्त्र आज धराए गए हैं वह मेघश्याम रंग के हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का छोटा हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। सभी हार एवं मालाओं पर नीचे पदक लगे हुए हैं, ऐसी चार मालाएं धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को गुलाबी वस्त्रों की ही किनारी वाली गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच के ऊपर आज प्रभु को रेशम का दोहरा कतरा धराया गया है। बाईं ओर नित्यवत आभरण से मिलवा शिशफूल धराए हुए हैं। दाईं ओर मोतियों से सिद्ध की हुई लोम भी धराई गई हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से मिलवा ही एक जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण में जड़ित फिरोजा की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट गुलाबी रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ मीणा से सिद्ध की हुई पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी नित्यवत की भांति चांदी से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में रावल मांझ बाजत बधाई और जबते राधा प्रकट भई, श्रृंगार में
वृषभान के हो आंगन मंगल राजभोग में, चलो वृषभान गोप के द्वार उत्थापन में, गोकुल ते गाजत बाजत आरती में, श्री वृषभान राय जूके आंगन शयन में, श्री वृषभान राय गृह प्रगति राधा और पोड़वे के पद में, गृह आवत गोपी जन कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला श्रृंगार राजभोग भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। आइए अब भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी मंगलवार 19 सितंबर 2023 गणेश चतुर्थी के उत्सव की सेवा भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के दर्शन करते हैं। चतुर्थी की भावना से ही दर्शन करें, सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का दिवस डंका चौथ, डंड्या चौथ और गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन श्री गणेश जी का प्राकट्य माना गया है। इस संदर्भ में ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, मृदुल पुराण आदि में कई प्रकार की कथाएं प्रसिद्ध हैं। पुष्टि में इसे देखें तो श्रीमद् भागवत के अनुसार जन्माष्टमी पश्चात आज के दिन ब्रजवासी जब प्रभु को खिलाने गए तो अपने साथ खेलने के डंडा लेकर गए, जिनको आपस में टकराकर मधुर ध्वनि से प्रभु को रिझाने का प्रयास किया। इसी भावना से ठाकुर जी को भी बाल लीला में नंदालय की भावना से पलना में डंडिया से खिलाते हैं। ठाकुर जी में सोना चांदी के डंडिया पास में पधराते हैं, विशेष रूप से डंडिया वाली पिछवाई आती है जिसमें यही भावना परिलक्षित होती है। श्रीजी मंदिर में इसकी भावना देखें तो कई वर्षों पहले यह परंपरा थी कि गणेश चतुर्थी के दिन नाथद्वारा के सभी स्कूलों और आश्रमों के बालक विविध वस्त्र श्रृंगार धारण करके अपने गुरुजनों के साथ मंदिर के गोवर्धन पूजा के चौक में आते और डंके अर्थात डांडिया से खेलते थे। उन्हें गुड़धानी के लड्डू पूज्य श्री तिलकायत जी की ओर से दिए जाते थे। वहीं अन्य पुष्टि घरों की सेवा प्रणालिका में मस्तक पर ताकीरी की टोपी फूंदना वाली विशेष रूप से धराई जाती है। बगनखा धराए जाते हैं, सूथन का श्रृंगार होता है। सामग्री में विशेष रूप से गुड़धानी के नग भोग में आते हैं। तत्पश्चात भंडार के गणपति को उसमें से प्रसादी नग भोग आते हैं। पूज्य महाराज श्री वैष्णव समाज में गुड़धानी भगवत प्रसादी प्रसादी लड्डू नग उड़ाते हैं। इसी के तहत लोक परंपरा में छोटे ब्राह्मण बालक मंदिर में बैठकर डंडा बजाते हुए खेलते हैं। साथ में वे एक दोहा भी गाते हैं, गोकुलनाथ बड़े महाराज माला तिलक की राखी लाज, दिल्ली पति को परचो दीनो भक्त मनोरथ पूरन कीनो, मथुरा में केशव राय बिराजे वृंदावन में मोहन राजे, धन्य धन्य आज की घड़ी चट्टन भीड़ द्वारे खड़ी, धन्य धन्य यशोदा मैया अब कहा सोचो लावो रुपया। इसी भावना से मंदिर से प्रसादी लड्डू उन्हें मिलते हैं।
दूसरी भावना के अनुसार पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी की कहानी से नित्य नैमित्तिक शुभ कर्म में गणपति पूजन का विधान है। प्रसंग ऐसा है कि एक बार आचार्य चरण काशी अपने ससुराल पधारे। वहाँ पंच देवोपासना के स्वरूप थे, उनमें से श्री गोकुलनाथ जी के स्वरूप आपने पधरा लिए और अन्य को गंगा में विसर्जित करने का मन बनाया। तभी सभी देवों ने आपसे अनुरोध किया कि यदि आप ही हमारी पूजा नहीं करोगे तो हमें कौन मान्यता देगा। तब आचार्य चरण ने आश्वासन दिया कि हमारे यहाँ शुभ प्रस्ताव, विवाह, जनेऊ आदि में आपका पूजन ससम्मान यथावत रहेगा। इसीलिए पुष्टि मार्ग के मंदिरों में गणपति रिद्धि सिद्धि युक्त भंडार गृह में विराजमान किए जाते हैं, जो जेमनी सूंड वाले लाल रंग युक्त होते हैं। उनका गणपति अथर्वशीर्ष शीर्ष आदि से भगवत प्रसादी माला, वस्त्र, गुड़, धानी के लड्डू, खोवा, फल, बीड़ा, कंकु, अक्षत आदि से पूजन सम्मान होता है। मार्कंडेय पूजन, दिवाली के पूजन, यज्ञोपवीत, शुभ विवाह आदि कार्यों में भी गणपति स्थापना पूजन प्रसादी वस्तुओं से होता है। वैसे भी महादेव जी, पार्वती जी व उनका परिवार परम भगवत भक्त है। एक अन्य भाव को देखें तो हमारी सनातन संस्कृति में महाभारत की एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी सर्व देवों में प्रथम पूज्यत्व और समस्त शुभ कार्यों में प्रथम पूज्यत्व विनायक विघ्नहर्ता वत्रकुंड लंबोदर गणपति को ही प्रदान किया था। महाभारत व गीता का लेखन कार्य भी गणपति ने ही किया है, व्यास जी ने उच्चारण किया है। पुराणों में जहाँ भी इनको सृष्टि का कर्ता बताया है, वहाँ भी मुख्य रूप से श्री कृष्ण का ही यशो वर्णन मानना चाहिए। गणपति के स्वांग फाल्गुन में बनकर नृत्य कर प्रभु की प्रसन्नता के अर्थ किया जाता है। जन्माष्टमी के बाद बाल लीला के अंतर्गत गणेश चतुर्थी आती है। जैसे जोगी लीला में शिव जी बाल कृष्ण के दर्शन के इच्छुक रहते हैं, वैसे भी गणपति आदि भी भगवान की एक विभूति हैं, अतः उनके दर्शन के लिए इच्छुक रहते हैं। भंडार के अधिष्ठाता की सेवा गणेश जी करते हैं, प्रत्येक देवी देवता की भगवत सेवा में यथा अधिकार सेवा करते हैं। यह तो थी गणेश चतुर्थी उत्सव की भावना। आइए अब गणेश चतुर्थी के प्रभु श्री जी के दर्शन कर लेते हैं। साज सेवा में श्री जी में आज ब्रजवासियों के समूह की डंका खेल के चित्रांकन वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल चौफुली चुंदड़ी के वस्त्र, धोरे वाला सूथन और पटका धराया जाता है। दोनों वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। ठाड़े वस्त्र सुआ पंखी अर्थात तोते के पंख जैसे हल्के रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का अर्थात छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण हीरा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल चुंदड़ी की छज्जे वाली पाक के ऊपर मोर शिखा, जमाव का कतरा, लोम तथा तुर्री एवं बाई ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में दो जोड़ी हीरा के कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्रीकंठ में तिमनिया धराया जाता है। गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की दो सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, हरे मीणा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिछियाँ धराई जाती हैं। खेल के साज में पट लाल एवं गोटी हरे मीणा की आज धराई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में श्री वृषभान के हो आंगन भीर, राजभोग में मैं देखी सुता वृषभान की, आरती में वृषभान के हम भाट, शयन में रावल गांव ते दोर नार एक आनंद, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में गणेशोत्सव पर कहाँ कहाँ गणपति पूजा होती है, आइए आपके साथ थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित श्री कृष्ण भंडार में, श्री महाप्रभु जी के बैठक के बाहर मोती महल में, ऊपर जाने के रास्ते पर बने हुए श्री गणपति एवं खर्च भंडार में गणपति की पूजा विशेष रूप से होती है। इसके अलावा प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के मुख्य निष्पादन अधिकारी के
कार्यालय में भी दो स्थलों पर गणपति पूजा की जाती है। हालांकि इन सभी स्थलों पर गणपति को रोज भोग तो अरोगाया जाता ही है। इसके अलावा प्रभु श्री जी की नगरी में अनेक स्थलों पर भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर पंडालों में भी गणपति स्थापना की जाती है और गणेशोत्सव के दौरान उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिसके दिव्य शंखनाद के संकलन से एक क्लिप की झांकी आप देख रहे हैं। श्री जी एवं श्री जी की नगरी में गणेशोत्सव के दर्शन हम आपको नित्य करवाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्री ब्रश भान नृप्रति के आंगन बाजत आज बधाई, श्री ब्रश भान नृप्रति के आंगन बाजत आज बधाई।
आज ते आज बधाई श्री वृषभान प्रति के आंगन बाजत आज बधाई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।